ओके देन, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। गाइस तो कैसे हैं आप? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर देख लिया आपने। आप समझ लो यार, आप जीत गए, आप ये चैप्टर को जीत गए। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो सर, वो चीज तो हमको बचपन से आती थी। फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, आता था क्या? सच्ची सच्ची बोलो। नहीं ना? तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ लेट द गेम बिगिन गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस चैप्टर कैन मिनिमम बी आस्क्ड फॉर 10 to 15 मार्क्स। एंड मतलब बाकी तो मैं आपको बता रहा हूं, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। यस, कभी कभी ये एग्जाम में 20 20 25 25 मार्क के लिए भी आया ये चैप्टर। जी हाँ, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एंड यू नो एवरी प्रोफेशनल शुड नो अबाउट दिस चैप्टर। इसके लिए ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है सीए इंटर एफएम, सीए सीडब्ल्यूए इंटर एफएम, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। आ जाओ चल। सो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट समझते हो तुम लोग? प्रोजेक्ट देखो क्या होता है, पता है क्या? से मैं आपको बचपन की बात बताता हूं। समझो आपका कोई फ्रेंड है, उसके बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। अब बचपन में एक फ्रेंड के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करना इज एज गुड एज अ प्रोजेक्ट फॉर मी। कि यार सब फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, समोसे कचौड़ियाँ फैंटा वेफर्स लेकर आने हैं, है ना? याद है? सो ये एक मेरे लिए प्रोजेक्ट से कम नहीं था, ठीक है ना? केक कब कट होगा वो डिसाइड करना है, कब स्टार्ट होगा इवेंट, कब एंड होगा, सो ऑल ऑफ दैट वाज अ प्रोजेक्ट, राइट? अब वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो इसके लिए मुझे ध्यान रखना है कि सब चीजें टाइम टू टाइम होती जाए, एम आई राइट? बस वैसा ही कुछ यहाँ पे है। आप एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बस अब दोस्त का बर्थडे नहीं है, वो दिन भी क्या दिन थे। आज आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस के लिए आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या आपको ये प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं। दोस्त के बर्थडे के लिए तो वी वर ऑलवेज रेडी, वी वर ऑलवेज इन के यार यस, इसके बर्थडे के प्रोजेक्ट के लिए अपन लोग को काम करना है। बट जैसे जैसे बड़े होते गए, कहीं ना कहीं वो इनोसेंस लॉस्ट हो गई। एंड आज हर चीज एक ही दायरे में सोची जाती है कि क्या इस प्रोजेक्ट से मुझे कुछ कमाने को मिलेगा या नहीं। जब फ्रेंड का बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रहा था एज अ प्रोजेक्ट, तब एक ही चीज दिमाग में थी कि यार कैसे उसके मैं बर्थडे को अच्छा बनाऊं, बेस्ट बनाऊं, ना कोई मॉनेटरी गेन ना कोई मॉनेटरी लॉस, कोई चीज नहीं। बट आज जब मैं बड़ा हो गया हूं अनफॉर्चुनेटली, तो मेरे दिमाग में जद्दोजहद में एक ही चीज चलती है और वो है पैसा पैसा पैसा। और ये कैपिटल बजटिंग बस वही चीज सिखा रहा है कि यार कोई प्रोजेक्ट है उसको इवैल्यूएट करना है किस बेसिस पे। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, रब से क्यों नहीं डरती है। बस तो क्या करना है इस चैप्टर में अपने को, कैपिटल बजटिंग में क्या करना है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन करना है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोस, पैसा आया है कि नहीं। सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज, ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज। प्योर वर्ड देखो, कैश फ्लोज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया मैंने, समझ रहे हैं? अब कौन से प्रोजेक्ट? यूजुअली बड़े प्रोजेक्ट्स, यूजुअली बिग प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग टाइम फ्रेम ऑफ मोर देन
वन टू योर्स। वन टू योर्स। बराबर मोर देन, मतलब वन टू तो नहीं, ज्यादा ही होता है उससे भी, बट ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन कैच थीम। ठीक है, लिख लिया। बोलो बोलो, चल चल। अब ऑब्वियसली इसको इवैल्यूएट करना है। ऑब्वियसली अगर इसको इवेल्युएट करना है, देन इन दैट केस कुछ टेक्निक्स लगेगी। बस इस चैप्टर में अपने को वही टेक्निक सीखनी है। सो इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट विल बी बेस्ड ऑन बिलो टेक्निक्स। आइए, पहला नॉन डिस्काउंटिंग, दूसरा 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 डिस्काउंटिंग मेथड्स, सो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स, दूसरा डिस्काउंटिंग मेथड्स। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में आते हैं दो, एक है पेबैक पीरियड, दूसरा है एआरआर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, फिर आईआरआर और एक डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक, आईआरआर का भी फुल फॉर्म लिख देता हूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। छापो रे छापो, छापो छापो रे छापो छापो, स्टार्ट। चल डन। अब देखो क्या होता है, पता है क्या, बात सुनो बात सुनो। अब मैं इमोशनल हो गया था थोड़ी देर पहले, आप लोग ने देखा होगा। अब इमोशंस हटा देते हैं, बिजनेस माइंड लगाते हैं। बिजनेस माइंड बोलता है, बिजनेस माइंड बोलता है कि लेट्स फोकस ऑन अर्निंग रियल कैश फ्लोस। देखो दुनिया में जय जयकार उसी की है जिसके पास पैसा है। आज की तारीख में तो आप सबको पता है यही गेम है।
सो नाउ व्हेन मनी हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सब में सबसे जो बेस्ट है वो है एनपीवी, जो अपन लोग धीरे धीरे करेंगे, बट एक स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को यूज करते जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला मेथड कौन सा दिख रहा है आपको वहां पे? पहला रेट कौन सा दिख रहा है आपको? इट इज पे बैक पीरियड, इट इज पे बैक पीरियड, राइट। चलो आ जाओ, अब पे बैक पीरियड क्या होता है? तुम लोग ने सुना तो होगा, सच्ची सच्ची बोलो, सुना है ना तुम लोग ने? नाम देखो ना उसका, पे बैक, कितने टाइम में पैसा रिटर्न आ रहा है। मैं आपको बताऊं, चलो मुझे बताओ, व्हाट वॉज माई पे बैक पीरियड? अगर तुम लोग को ये पे बैक पीरियड का मतलब पता है, तो नहीं पता है तो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखो तुम बोलोगे वाह सर वाह, क्या ही पे बैक पीरियड है यार इसका। वॉट वॉज द पे बैक पीरियड, या पहले पे बैक पीरियड क्या होता है समझा रहा हूं। पे बैक पीरियड का मतलब आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न आपको कितने टाइम में मिल रहा है। कहने का मतलब, अगर मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो वो 10 लाख मुझे वापस कब मिल रहा है, उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं पे बैक पीरियड। ध्यान से सुनना अभी मैं जो बोलने वाला हूं, मुझे उसका आंसर चाहिए, और क्या ही आंसर है। तुम बोलोगे वाह सर वाह, क्या इन्वेस्टमेंट है, यस एकदम, मतलब तुम्हारा बोलते ना छाती गर्व से फूल जाएगा कि यार सही चीज कर रहे हो यार तुम लोग, ठीक है। सो सुनो ध्यान से, पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि आपने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट का रिकवरी कितने टाइम में हो रहा है, उसको बोलते हैं सिंपल भाषा में पे बैक पीरियड। तो अगर मैंने 10 लाख किसी चीज में इन्वेस्ट किया है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, पहले साल में आया मुझे 5 लाख, दूसरे साल में आया मुझे 5 लाख, तीसरे साल में आया मुझे 5 लाख, आप मुझे बताओ मेरा पे बैक पीरियड क्या है? बोलो बोलो, चल चल करेक्ट 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 करेक्ट, कहना से 2 साल का मेरा पे बैक पीरियड आ गया। अरे सुनो ना, 2 साल का मेरा पे बैक पीरियड आ गया। सब लोग को आंसर है? ए सब लोग आंसर देने का ना भाई, भाव खा रहे हो क्या? जो भी आंसर नहीं देगा हटा दूंगा लाइव से। तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, पहले साल 5 लाख, दूसरे साल 5 लाख, 10 लाख हो गया इक्वल, 2 साल में रिटर्न आ गया, डन। अब मैं जो बोल रहा था, जिससे सुन के आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, मैंने सीए करना चालू किया था जब मैं था प्रोबेबली 17 एंड हाफ और समथिंग। मैं सीए बन गया व्हेन आई वाज अप्रोक्सीमेटली 21 एंड हाफ इयर्स। मैंने टोटल सीए की पढ़ाई की है अप्रोक्सीमेटली 4 एंड हाफ इयर्स, ठीक है। आपको मेरे को बताना है व्हाट इज माय पे बैक पीरियड ऑफ डूइंग सीए। तो सीए किया मैंने, तो इंस्टीट्यूट को फीस दिया, क्लासेस किया उसका फीस, ये सारा फीस का मेरा पे बैक पीरियड कितना था? 4.5 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करते गया करते गया करते गया। आपको मुझे बताना है व्हाट वाज माय पे बैक पीरियड। मैं आपको बताऊं, इट वाज 1 month। जैसे ही सीए बना, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी ने हायर कर लिया, जेपी मॉर्गन ने। पहले साल में, पहले महीने में मुझे इतना सैलरी दे दिया जो 4.5 साल में मेरा खर्चा हुआ है। समझ रहे हो क्या लेवल का पे बैक देता है ये डिग्री? इसके लिए डिग्री का इतना वैल्यू है, और इसके लिए डिग्री डिफिकल्ट भी है। इजी हो जाए तो हर कोई कर ले, हर कोई करवाना कर भी नहीं पाना चाहिए, आप और मेरे जैसे लेवल के लोग ही करेंगे। 1 महीने में 4.5 साल का पे बैक पीरियड आ गया, और क्या चाहिए, समझ रहे हैं आप कितना मस्त है ये? बोले तो शगास, समझे समझे समझे, हम तो 1 ईयर बोलने वाले थे। अरे जा रहे कोई बेकाम या इंजीनियरिंग का डिग्री थोड़ी है, सीए का डिग्री है बॉस, 1 साल में पे बैक। बता रहा हूं मैं आपको, एक साल बोल रहे हो, तेरी तेरा सुन के नानी, मैं भी 1 साल बोल रहा हूँ, 1 महीने में पे बैक, यस रिमेंबर माय वर्ड्स, 4.5 साल का इन्वेस्टमेंट 1 महीने में पूरा पे बैक आ जाएगा, याद रखना ये बात,
रियल लाइफ एग्जाम्पल 101% यार। बोलो। चलो अब इसके बारे में तो दो दो शब्द लिख ले। अच्छा, इन शॉर्ट पे बैक पीरियड समझ में आ गया आपको, बस मुझे वही चाहिए। आओ अब इसके बारे में दो शब्द लिख लेते हैं। पे बैक पीरियड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रपोजल्स क्यूम्युलेटिव कैश इनफ्लो टू बी इक्वल टू इट्स कैश आउटफ्लो। सिंपल, और सिंपल भाषा में सिंपली अगर मैं पूछ लिखना चाहूं, सिंपली लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। छापो। डन। अब इसका फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, तुम तो मुझे जान ही गए होगे अब तक। फॉर्मूला फॉर्मूला में अपन ज्यादा रिलाई नहीं करते, अपन रिलाई करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। क्या बोलते हैं पब्लिक, तुम भी अभी वैसे ही हो गए हो ना, राइट? चलो आ जाओ, सुनो ये रहा पहला क्वेश्चन। ये रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सपोज एक्स वाई जेड इज एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इनिशियल कैश आउटले ऑफ ₹2 लाख एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लोज एज फॉलोज 80,000, 60,000, 60,000, 20,000। अपने को बताना है क्या होगा इसका पे बैक पीरियड। चलो बोलो, करेंगे स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है कैश इनफ्लोज योर 1 2 3 4 ईयर कैश इनफ्लोज 80 60 60 20। ठीक है। सो अब अपन लोग यहां पे क्या लिखेंगे, क्यूम्युलेटिव कैश फ्लोज। ये देखो इधर वर्ड यूज आया था ना, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो प्रपोजल्स, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। देखो जरा प्रपोजल्स
प्रपोजल्स, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या हो रहा है, बताओ बताओ। चलो देखते हैं क्या है क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। 80,000 प्लस 60, 1,40,000 प्लस 60, 2 लाख। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, मेरा जो बेंचमार्क था देखो वो आ गया। तो मैं आगे का करूं भी ना तो भी चलेगा, सो मैं इधर लिखूंगा सॉल्यूशन। एज कैन बी सीन फ्रॉम अबव, रुपीज 2 लाख इज रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, छापो।
डन। चलो ये डन हो गया तो बोलो तो सही यार। चल सेकंड पे चलेंगे अपन लोग, सेकंड मेथड पे चलेंगे। ये मेथड समझ में आ गया सबको? ये मेथड सबको समझ में आ गया क्या? अब सेम एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल इधर खाली लिख देता हूं मैं। चलो ना, कैश आउटफ्लो 2 लाख, ठीक है। अब सेम एग्जाम्पल, बस एक छोटा सा चेंज है, एक छोटा सा चेंज है। 2 लाख नहीं है ये, 2,05,000 है। अब क्या करेंगे? तो इधर जो अपन लोग ने लाइन डाला है ये लाइन हटा देंगे, और यहाँ पे अपन लोग और एक ऐड कर देंगे, करके और एक ऐड कर देंगे, तो 2,20,000 हो जाएगा। अब सुनो, अब इसमें कैसे करना है आपको? तो देखो, 2 लाख के तो ऊपर है, तो 3 से तो ज्यादा है, वो तो समझ में आ गया। समझते हो ना लॉजिक भाई? बोलो, 2 लाख के तो ऊपर है, तो 3 साल से तो ज्यादा लगने वाला है। अब 20,000 रुपए का इनफ्लो आने के लिए 12 महीने लगे, बराबर है? तो 5,000 का इनफ्लो के लिए कितना टाइम लगेगा? तो करो 5,000 × 12 डिवाइड बाय 20,000, एंड इट इज 3 मंथ्स। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, करेक्ट, इट विल बी 3 इयर्स 3 मंथ। समझे? बोलो बोलो, टेल टेल, छापो 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 छापो। कम ऑन गाइस, कॉपी। डन। अब इसका भी है ना फॉर्मूला बनता है, मेरे को करना है क्या फॉर्मूला के थ्रू? सो इधर देखो, ऐसे लिख सकते हो, कैश इनफ्लो इन 12 मंथ्स, एंड दूसरा कैश इनफ्लो रिक्वायर्ड टू मैच पे बैक अमाउंट। डन। डन।
डन। अब चलेंगे अपन लोग सेकेंड मेथड पे, दैट इज कॉल्ड एज ए आर आर। आज के मेथड एकदम सिंपल वाले, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अपने को बताता है कि बॉस कितना मेरे पास रिटर्न्स आया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर दिस चैप्टर स्पीक्स अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, अदरवाइज इट इज ओनली कंसर्न विद कैश फ्लोज। अदरवाइज इट इज ओनली कंसर्न विद द कैश फ्लोज। वैसा सो चलो लिख लेते हैं, ए आर आर एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। कमा देख लो, सिंपल है ये तो। ये तो अपन लोग मालूम है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड करते थे, काइंड ऑफ वैसा ही है ये। चलो इसका भी, हाँ ये रहा देखो, सिंपल एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, नो टेंशन। अब इसमें ये जो एवरेज एनुअल है ना, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो एक एक करके अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको। सबसे पहला वाला जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, विच इज प्योरली जो मैंने ऊपर लिखा है। उसके बाद इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, थोड़ा सा उन्होंने ना वेरिएशंस कुछ ऐसे भी डाले हैं जो देख के आपको लगेगा कि यार इसकी जरूरत नहीं थी, बट इट्स ओके, जो है वो है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं लगेगी, सी एम रीडिंग, आ जाओ बुक में आ जाओ। हाँ प्रॉफिट परसेंट ही हुआ, करेक्ट। सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख, हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, साल्वेज वैल्यू 90,000, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इज 1,50,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर शाल बी एज गिवन बिलो। अब अपने को कैलकुलेट करके बताना है व्हाट इज इट गोइंग टू बी द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर सॉल्व करेंगे साथ में। चलो स्टार्ट। देख अब कितना इन्वेस्टमेंट है उसका तो अपने को टेंशन ही नहीं है, 3 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है ही उसका स्टार्टिंग में। हाँ खर्चा कितना आया है, आई मीन प्रॉफिट कितना आया है वो देख लो आप। अब आइडियली यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है मैंने, बट क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स का नामो निशान भी नहीं है शायद, है ना। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग, बट एज सच कुछ वो लोग ने दिया हुआ नहीं है टैक्स का रेट या कुछ भी। सो अपन लोग लेंगे प्रॉफिट
प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है ये। हाँ तो कह रहे हैं इसे अपन लोग लेंगे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, बराबर बोलो रे। तो प्रॉफिट आइडियली आफ्टर टैक्स होता, बट टैक्स नहीं है तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ले लेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नॉट गिवन, सो वी विल टेक प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 80,000। तो देखो तीन ईयर है उसमें, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। ईयर वन 80,000 अपॉन इन्वेस्टमेंट, कितना हुआ इन्वेस्टमेंट देखो, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। ओके फिर आता है ईयर टू, बोलो ईयर टू में कितना है। अच्छा तीनों साल ही 80,000 है, बट 2,30,000, 1,60,000। तो 80 डिवाइड बाय 230, 80 डिवाइड बाय 160, बोलो कितना आता है परसेंटेज। वेरी गुड, 50%, 34.78, वेरी गुड एंड करेक्ट, 26.67%। प्लीज कॉपी। तो सर इसमें अपने को ये वैल्यू एट एंड लेना है या वैल्यू एट बिगनिंग लेना है। सो वी विल टेक इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग, कि भाई मैं जब धंधा चालू कर रहा हूं तब मेरे पास कितना पैसा है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो सर एवरेज वर्ड लिखा है ना, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू भी हो सकता है ना। बताता हूं, पहले ये लिख लो, उसका भी जवाब तुम्हारे को मिलेगा। ये हुआ, तो यहां पे जो एवरेज वर्ड लिखा है ना, एवरेज एआरआर, दैट बिलोंग्स टू ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री का एवरेज। सो 26.67, 34.78 एंड 50% डिवाइड बाय 3। सो इट विल बी 37.15%। डन, यहां पे एवरेज ले लेना है। अब इसी का करने का दूसरा तरीका भी है, तो अपन लिखेंगे ऑल्टरनेटिव टू। आ जाओ, ऑल्टरनेटिव टू। सो बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट
एंड इन्वेस्टमेंट। बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। सो टोटल प्रॉफिट कितना है देखो, टोटल एटी थाउजेंड डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख। ये लेना है इन्वेस्टमेंट, यस ऑब्वियसली एट द बिगनिंग, क्योंकि इतना ही मैंने इन्वेस्ट किया है। सो देखो ये कितना आ जाता है। अब ये है ना, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। कोई बोलता है कि भाई इसको क्यों खाली 3 लाख लेना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 लेना चाहिए, और अलाउ भी करते हैं इसके लिए ना। क्या बोलते हैं ना इसको, 80% फॉर 3 ईयर्स। सो 80 डिवाइड बाय 3 तो 26.67% आया है। मतलब देखो मेन फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग लिया है, यहाँ पे उनका मर्जी था तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग को ही लिया है और ऊपर 3 साल के प्रॉफिट ले लिया है। अब और एक वर्जन है उनका। सो जब इतने सारे वर्जन आ रहे हैं ना, इस चीज का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट खुद ही क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट को लेके। तो ठीक है, अपने को भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, वो जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाने का। डन। अब ऑल्टरनेटिव 3 देखो। अब ऑल्टरनेटिव 3 देखो, अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा। एवरेज एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला एवरेज एनुअल प्रॉफिट क्या है, 80 प्लस 80 प्लस 80, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 80,000। तो ये हो गया फ्रीज। दूसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट देखो क्या है, सो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, 3 लाख। चलो ये सही है। फिर इसमें से वो लोग बोल रहे हैं कि 90,000 का सल्वेज, मतलब उतना पैसा आ जाएगा अपने पास, रिकवरी हो जाएगा, तो माइनस सल्वेज वैल्यू बराबर है। बट एंड में कितना वैल्यू बचता है अपना, तो एक सेकेंड सी, दो तरीके हैं, मैं बता देता हूं दोनों। इसमें भी दो तरीके हैं, बोलो। एक है 3 लाख ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 90 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, 1,95,000। एक है ये सबसे सिंपल वाला सिस्टम। दूसरा देखना मेथड क्या है, मैं इसको इधर से हटा देता हूं वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, एक एवरेज इन्वेस्टमेंट तो अपने को समझ गया क्या, ओपनिंग क्लोजिंग बाय 2, और दूसरा, दूसरा मेथड थोड़ा यूनिक है। वो बोलता है कि हाफ ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। अब हाफ ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 3 लाख माइनस सालवेज, तो
3 लाख माइनस 90 डिवाइड बाय 2 प्लस क्लोजिंग 90 इक्वल टू 1,95,000। बोलो अब इसमें से जो लेना है आप ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तीन वर्जन आपको दे दिए भाई, सो तो जिसको ये वाला वर्जन चाहिए था उसको भी शांति मिलेगी भाई। ये वाला वर्जन जिसको समझा है ना इजी पीजी, उसको भी शांति मिलेगी। सो यहां पे देखो मेरे पास ए आर आर, अब इसमें लास्ट वर्जन 3 में, अल्टरनेटिव 3 में दो तरीकों से आएगा। 80,000 डिवाइड बाय 195, कोइंसिडेंटली दोनों सेम ही है तो 80,195। बोलो कितना आता है, आंसर्स तो अलग अलग आएंगे ऐसे तो, एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूं। इसके लिए तो मैं बोला कि जब इतना सारा अलग 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 चीज आ रहा है ना तो ये चीज कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ही नहीं है, बट ठीक है अपना फर्ज है, इंस्टीट्यूट ने बोला है अपन निभाएंगे। तो तुम लोग लिख लो फिर मैं लास्ट में सब समराइज कर दूंगा। अभी तो दिमाग में खिचड़ी बन गया होगा, खिचड़ी लिटरली खिचड़ी बन गया होगा, इट्स ओके मैं सब चीज बाद में समेट दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आप लोग खाली फ्लो के साथ जाओ। अच्छा तुम लोग का कुछ लिखना बाकी है कि हो गया लिख के? बोलो बोलो टेल टेल। हाँ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए हाई कंफ्यूजन है। चलो जो तुम लोग का बाकी है वो फटाफट लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं तुम लोग को एक साथ क्लैरिटी दे देता हूँ तो तुम लोग क्लियर हो जाओगे। सर एग्जाम में आता है क्या? नहीं, एग्जाम में आता है एनपीवी, मेरा फेवरेट, ये सब चिल्लर पार्टी नहीं आता है, बट कराना पड़ता है भाई, फर्ज निभाना पड़ता है। चलो प्लीज कॉपी। सो अब देखो एग्जाम के नजरिए से अगर समझो आ गया तो क्या सर, अगर एग्जाम में आ जाता है यू कैन यूज आइदर ऑफ द फॉर्मूलास, वो सब अभी मैं आपको बताता हूं। आप लोग पहले इतना लिखो ना यार, डन बोलो फटाफट, फिर मैं आगे का बताता हूं। चलो अब एक लास्ट चीज इसमें और एक ऐड कर देता हूं एआरआर में, ठीक है? देखो इधर, अगर इसमें वर्किंग कैपिटल भी वो लोग दे दे, सपोज वर्किंग कैपिटल भी दे दे तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, इफ क्वेश्चन आल्सो इंक्लूड्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल, इफ क्वेश्चन ऑल्सो इंक्लूड्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो आपका फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्लस
सालवेज प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्या बोल रही है तू? तो? किसका बोल रही है तू? साक्षी। अच्छा यहाँ पे। ओ ओके 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 कौन से वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ राइट राइट राइट। ए गाइस गाइस गाइस, एक चेंज है, सो सॉरी। ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट माइनस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्लस सालवेज वैल्यू आएगा। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया। आंसर चेंज नहीं होगा बट फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट्स ओके। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्लस सालवेज वैल्यू। अब जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि चीजों को समेटने का टाइम आ गया है, सो चलो समेटते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर क्वेश्चन ए आर आर का है, देन इन दैट केस आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। सबसे पहला है ऑल्टरनेटिव वन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वन है सबसे पहले। ऑल्टरनेटिव वन बोलता है प्रॉफिट अपने वाले में, अपन लोग ने जो किया उसमें है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेना है, ध्यान रखना, अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेना है। एंड यहां पे कैलक्यूलेट इंडिविजुअली फॉर ऑल ईयर्स, कैलक्यूलेट इंडिविजुअली फॉर ऑल ईयर्स। समझ में आ गया ये? तो एआरआर का पहला फॉर्मूला बनता है मेरा, एआरआर का पहला फॉर्मूला बनता है मेरा ये, इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग, ईयर टू का प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग, ईयर थ्री का प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग भी बोल सकते हैं। सेकेंड, ऑल्टरनेटिव टू, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट, वही प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन जो आया था, अपॉन इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, सिंपल। हाँ बाय द वे, यहां पे एक चीज लिखना भूल जाएगी तुम लोग, भूल गए अपन, नोट, टेक एवरेज ऑफ ऑल अबाउ इंडिविजुअल ईयर्स। तो इधर इंडिविजुअल अपन लोग ने निकाला है ना, उसका एवरेज देना है, टेक एवरेज ऑफ ऑल अबाउ इंडिविजुअल ईयर्स, ध्यान रखना ये बात। सेकेंड ऑल्टरनेटिव पे आ गए अपन, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अब ये कैसे आया अपना? सो
समेशन प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन एन, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग होता है वो इधर आ जाएगा। डन। लिख लिया थर्ड ऑल्टरनेटिव। थर्ड ऑल्टरनेटिव में तीन ऑल्टरनेटिव है, थर्ड ऑल्टरनेटिव में तीन ऑल्टरनेटिव है। पहला एवरेज, तो मैं इधर ऑल्टरनेटिव 3, 4, 5 ऐसे करके लिख देता हूं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन, एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, सो एवरेज इन्वेस्टमेंट है यहां पे ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2। एवरेज एनुअल प्रॉफिट क्या आता है, समेशन प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन एन। डन। और एक ऑल्टरनेटिव 4, हाफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्लस सालवेज वैल्यू, एंड ऑल्टरनेटिव 5, हाफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्लस सालवेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अच्छा, पांचों पांच तुम्हारे पास आ गए हैं। अब सर एग्जाम में कौन सा यूज करना है, जो यूज करना है करो, आना ही नहीं चाहिए इसके ऊपर तो क्वेश्चन, वैसे तो आया तो देख लो भाई। अब मैं और एक बता देता हूं, और एक ऑल्टरनेटिव है जो इंस्टीट्यूट वाला है, यही दोनों में ऑल्टरनेटिव 4 में ही इधर लिख दो ऑल्सो आईसीएआई हैज यूज्ड साल्वेज वैल्यू, ऑल्सो आईसीएआई हैज यूज सॉल्वेज वैल्यू, तो आईसीएआई का वर्जन भी अपन लोग लिख देते हैं, दो वी आर नॉट रियली कन्विंस्ड बट एंड ऑफ द डे वही अपना सब कुछ है। सो हाफ इंटू
इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू प्लस सेल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देते हैं इफ एनी, लिख दो यूज्ड बाय आईसीएआई। हाँ भाई डन सर, ऑल्टरनेटिव वन और टू में क्या डिफरेंस है? यहां पे पहले आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हो ना बेटा, फॉर ऑल इयर्स आप ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हो, उसका एवरेज लेते हो। यहां पे एक ही बार कर रहे हो प्रॉफिट of all years divided by an investment at the beginning, बस वैसा। डन 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 डन। सो अब क्या बोलू मैं, बड़ा ही ऊंदा यस बड़ा ही ऊंदा सा टॉपिक है ये। खाली एआरआर में देखो कितना टाइम पास फॉर्मूलाज डाल दिया बोलो ने। चलो आगे बढ़ेंगे गाइस। सर अपने को एग्जाम में आईसीए वर्जन यूज करना है भाई, सेफ रहने का, रिस्क नहीं लेने का। ठीक है डन।
एक बार डन बोल दो तो मैं आगे बढ़ता हूँ यार। ऑन दैट नोट क्वेश्चन नंबर टू एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर टू आओ। प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10 लाख यील्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज फॉलोज। फर्दर एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सोल्ड फॉर 80,000। कैन आई से सैलवेज आइए। डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। आओ सो देखो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अपने को कैलकुलेट करना है। अपने पास तो तीन चार वर्जन है ही, कौन सा वर्जन यूज करना चाहोगे बोलो। ऑल्टरनेटिव वन भी है, टू भी है। देखो ऑल्टरनेटिव वन के हिसाब से जाते हो तो इट विल बी इंडिविजुअल लेवल पे आपको निकालना पड़ेगा। देखो ऑल्टरनेटिव वन तब यूज कर सकते हैं जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग हो। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जब मेरा चेंज हो रहा तो मैं ऑल्टरनेट वन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल लेवल पे ईयर वन का प्रॉफिट अपॉन ईयर वन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ईयर टू का प्रॉफिट अपॉन ईयर टू का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ईयर थ्री का प्रॉफिट अपॉन ईयर थ्री का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक ही है तो अपने को क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव टू यूज करना चाहिए। ठीक है आओ। टू बी यूज्ड व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल ईयर्स आर गिवन। ऑल्टरनेटिव टू वो यूज कर सकते हैं अपन। तो उसमें क्या देखो एवरेज प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो एवरेज प्रॉफिट देखो कितना आता है बोलो, 5 साल का डिवाइड बाय 5, सो 4,60,000। थैंकफुली वो लोग ने दे दिया है टोटल। सो समेशन ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय एन, तो 4,60,000 डिवाइड बाय 5, तो 460 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 92,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो बोलो कितना आएगा, 9.2%। समझ में आया क्या? गॉट इट? अब दूसरा जो ऑल्टरनेटिव अपना लोग ने बनाया 3, 4, 5 जो बोलना है बोलो, अगर उसके हिसाब से जाए तो हाफ, उसके हिसाब से जाए तो एवरेज प्रॉफिट वो तो अपन लोग ने निकाल ही लिया है 92,000 अपॉन इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखते हैं बट फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, हाफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज प्लस साल्वेज। सो हाफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख माइनस साल्वेज 80,000 प्लस 80,000 बोलो कितना आता है,
डिवाइड बाय 2 प्लस 80,000, तो ये आ जाता है 5,40,000। तो आ गया 5,40,000। ठीक है, कितना हुआ ये 17.04%। समझे? चलो डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो गाइस डन। अब मेरे को है ना और एक चीज करवानी है आज, बट उसमें है ना फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर और वो सब टाइम वैल्यू वाली चीजें आएगी, तो मुझे लगता है कि वो अपन लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो ही बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। नोट्स में अपलोड करवा देता हूँ, लेक्चर अपलोड करवा देता हूँ। टाइम फॉर वीडियो से हास्ता ला विस्ता। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय। हाँ अभी अपलोड करवा देता हूँ।